क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और फाइनल T20 मैच आज शाम खेला जाएगा और आज का मैच होने जा रहा है राजकोट के मैदान में। जी हाँ, उसी राजकोट के मैदान में जिसमें रनों की बरसात होती है और ऐसा ही कुछ आज शाम भी नजर आने वाला है, यानी कि बारिश होगी रनों की और जो भी टीम पहले खेलेगी एक बार फिर से 200 से ऊपर का स्कोर बनेगा, लेकिन इस बार पलड़ा भारी होगा बाद में खेलने वाली टीम का और 200 से ऊपर का स्कोर भी चेज हो सकता है। जी हाँ, टॉस बेहद महत्वपूर्ण है आज के मैच में। अब मैच शुरू होने से पहले ही भारत की टीम फाइनल हो गई है। खुद राहुल द्रविड़ ने बता दिया है कि टीम क्या होने वाली है और इससे भी बड़ी बात यह है कि कप्तान हार्दिक पांड्या की चल नहीं पाई है और खुद राहुल द्रविड़ ने टीम को लेकर फैसला लिया है। तो सीधे आपको दिखाते हैं, बताते हैं आज के मैच की टीम। आप भी टीम को लेकर कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो ठीक शाम 6:30 टॉस होगा, 7 मुकाबला शुरू हो जाएगा और सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है। अब जो भी आज का मैच जीतेगा वही सीरीज का भी विजेता होगा। लंका की टीम काफी मजबूत नजर आ रही है और लंका अगर जीतती है तो इतिहास में ये पहली बार होगा जब श्रीलंका भारत आकर T20 सीरीज अपने नाम करेगी। लेकिन पांड्या की सेना भी पूरी तरह से तैयार है, तो सीधे सीधे भारत की टीम पर आते हैं। ओपनिंग की बात करें तो ईशान किशन बिल्कुल ठीक ठाक शुरुआत कर रहे हैं लेकिन फिर चूक रहे हैं, लिहाजा आज ईशान किशन को इस गलती से बचना होगा, बड़ी पारी खेलनी होगी। जबकि दूसरे ओपनर शुभमन गिल के लिए आज का मैच करो या मरो का है। जी हाँ, आज बाहर वो हो नहीं रहे, आज उन्हें मैच खेलने को मिल रहा है लेकिन आज अगर उन्होंने रन नहीं बनाए तो आगे फिर T20 मैचों में चांस मिलना मुश्किल हो जाएगा, लिहाजा गिल का बल्ला आज गरज सकता है, यानी कि ओपनिंग पेयर में कोई बदलाव नहीं है। तीसरे नंबर पर एक बार फिर से राहुल त्रिपाठी खेलने आएंगे। जी हाँ, तूफानी बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी पहले मैच में फेल हो गए थे लेकिन यहाँ पर उनसे ताबड़तोड़ पारी की उम्मीद है। जबकि चौथे नंबर पर सूर्य कुमार यादव खेलेंगे, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। पांचवें नंबर पर हार्दिक पांड्या और छठे नंबर पर दीपक हुडा ही खेलने आएंगे, यानी कि बल्लेबाजी में कोई बदलाव नहीं है। हाँ, बल्लेबाजी क्रम भी वही रहने वाला है और इसका ये भी मतलब है कि ऋतुराज गायकवाड़ और जितेश शर्मा को फिलहाल टीम में खेलने का मौका नहीं मिलेगा। अब गेंदबाजों की बात करते हैं तो स्पिनर्स में अक्षर पटेल और युजवेंद्र चहल की जोड़ी मैदान में उतरेगी और अक्षर तो इस पूरी सीरीज में शानदार ऑलराउंडर साबित हो रहे हैं। अक्षर पर सबकी नजर होगी, न सिर्फ बॉलिंग में बल्कि बैटिंग में भी उनकी कमाल की बल्लेबाजी हो रही है। वहीं T20 में 88 विकेट ले चुके चहल अगर 3 आज ले लेते हैं तो भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे, 90 लेने वाले भुवनेश्वर कुमार के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगे। तेज गेंदबाजी की बात करें तो वहाँ पर हार्दिक पांड्या अर्षदीप सिंह से बेहद ज्यादा नाराज थे, उनकी बॉलिंग से नाराज थे, नो बॉल से नाराज थे, लेकिन अर्षदीप सिंह को टीम से बाहर नहीं कर पाए। जी हाँ, हार्दिक चाहते थे कि हर्षल पटेल आज का मैच खेले लेकिन कोच राहुल द्रविड़ के दखल के बाद अर्षदीप सिंह ही आज का मैच खेलने जा रहे हैं, जबकि उनका साथ देने के लिए शिवम मावी और उमरान मलिक भी टीम में बने हुए। तो कुल मिलाकर गेंदबाजी में भी कोई बदलाव नहीं और मैच से पहले ही राहुल द्रविड़ ने खुद कहा है कि तीसरे मैच में बदलाव नहीं करने की सोच रहे हैं, अगर कोई इंजरी नहीं हुई तो टीम नहीं बदलेगी, वही सेम टीम खेलेगी, लिहाजा यहां पर टीम में कोई बदलाव नहीं है। जबकि हार्दिक पांड्या टीम में बदलाव चाहते थे लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई है। तो कुल मिलाकर उम्मीद है कि पहले 2 में फेल रहा भारत का बैटिंग ऑर्डर टॉप ऑर्डर आज रन बनाए और आज लंका की टीम को ध्वस्त करे, बड़ा स्कोर बने और न सिर्फ मैच में जीतो, सीरीज में जीतो, बल्कि फैंस का, दर्शकों का भी एंटरटेनमेंट। तो आपका क्या मानना है, कितनी संभावना है आज के मैच में भारत के जीतने की और क्या कोई बदलाव आज की टीम में होना चाहिए था, कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो पुणे के उसी मैदान में एक बार फिर से भारत को हार मिली, जहां पर 6 पहले भी लंका की टीम ने भारत को आखिरी बार हराया था। अब लंका ने भारत के सामने 207 रनों का टारगेट रखा तो वहीं पर जीत मुश्किल दिखने लगी थी लेकिन फिर भी भारत को उम्मीद थी क्योंकि बल्लेबाज भारत के ठीक ठाक थे। लेकिन पहले जब दोनों ही ओपनर्स और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर प्रमोट करके भेजे गए राहुल त्रिपाठी और उसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या एक के बाद एक 4 पावर प्ले में गिरे तो भारत की हार वहीं पर पक्की हो गई। हालांकि सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल ने 91 रनों की अद्भुत पार्टनरशिप की, अक्षर की पारी तो सबसे खास रही और हैरतअंगेज रही लेकिन फिर भी भारत की हार हो गई।
अब मैच में हार के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या सामने आए। हार्दिक ने बहुत कुछ कहा और यहीं पर बुरी तरह से अर्शदीप सिंह पर भी भड़क गए। जी हाँ, हार्दिक ने मैच के बाद अपनी टीम के खेल पर खासी निराशा जताई। हार्दिक ने कहा कि चाहे बॉलिंग हो या फिर बैटिंग, दोनों ही जगहों पर पावर प्ले में हमने बहुत ही खराब घटिया खेल दिखाया। इतने बड़े लेवल पर आप ऐसा खेल, ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं कर सकते, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। हार्दिक ने आगे कहा, कोई दिन आपका अच्छा या फिर बुरा हो सकता है, लेकिन यहाँ तो हमारे खिलाड़ी बेसिक्स ही भूल गए और बेसिक्स भूलकर बिल्कुल खराब प्रदर्शन किया। अब नाराज हार्दिक पांड्या यहीं पर नहीं रुके। हार्दिक ने कहा कि इतनी सारी नो बॉल डाली गई जो कि होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये क्राइम है, अपराध है। जी हाँ, हार्दिक पांड्या ने साफ साफ शब्दों में कहा कि आजकल क्रिकेट में नो बॉल डालना क्राइम है और ये काम अर्शदीप सिंह ने किया और लगातार किया। बुरी तरह से नाराज हार्दिक ने कहा कि नो बॉल का मतलब ही है कि आप विरोधियों को न सिर्फ एक और बॉल गिफ्ट कर रहे हो बल्कि एक्स्ट्रा रन, फ्री हिट और एक तरह से मैच गिफ्ट कर रहे हो। और अर्शदीप सिंह ने तो एक ओवर में तीन तो दूसरे ओवर में दो नो बॉल, यानी कि कुल 5 नो बॉल दो ही ओवर में दे डाली और वो नो बॉल भी हार की वजह बने, क्योंकि उन नो बॉल के बाद जो फ्री हिट मिली तो उनमें खूब सारे रन बने। हार्दिक पांड्या तो बुरी तरह से अर्शदीप सिंह पर भड़क ही रहे थे। अब अर्शदीप सिंह की इसी हरकत पर कुछ लोगों ने मैच फिक्सिंग तक के आरोप लगा दिए। जी हाँ, ये बड़ी सनसनीखेज बात भी यहाँ पर सामने आ रही है। असल में अर्शदीप सिंह ने अपने पहले ही ओवर में नो बॉल की हैट्रिक की थी, यानी कि लगातार 3 बॉल नो बॉल डाली थी और नो बॉल भी सामान्य नो बॉल नहीं थी, बल्कि अर्शदीप सिंह का पैर क्रीज से काफी आगे था जो कि हैरानी भरा था और तीनों ही बार ऐसा हुआ था। अब ऐसे में सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे हैं कि इतने बड़े लेवल पर इतनी बड़ी नो बॉल कैसे हो सकती है, और इसीलिए कुछ लोग सवाल उठाने लगे हैं, कहने लगे हैं कि यहाँ पर हो न हो जरूर मैच फिक्सिंग जैसा भी कुछ है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अब भले फिक्सिंग हो या ना हो, लेकिन लगातार 3 नो बॉल डालना और वो भी बड़ी लंबी नो बॉल डालना सवाल खड़े करता है, शक पैदा करता है और इसीलिए सवाल भी उठने लगे। तो कुल मिलाकर मैच में शर्मनाक हार तो मिली और ऊपर से अब मैच फिक्सिंग के भी आरोप लगने लगे हैं, वो हैरानी भरे और इनकी जांच होनी जरूरी है ताकि सच पता लग सके। लेकिन हाँ, इतना तय है कि मैच के बाद अर्शदीप सिंह को टीम मैनेजमेंट ने, कप्तान हार्दिक पांड्या ने, कोच राहुल द्रविड़ ने खूब लताड़ा होगा, समझाया होगा, सख्त अंदाज में समझाया होगा और बताया होगा कि तुमने क्या गलती कर दी, तुमने कितना बड़ा क्राइम किया है। क्योंकि जब हार्दिक पांड्या सबके सामने कहने लगे कि ये क्राइम है, तो अकेले में अर्शदीप सिंह को क्या क्या कहा होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो आपका क्या मानना है, क्या इस मैच में हार के जिम्मेदार अकेले अर्शदीप सिंह है या फिर बाकी खिलाड़ियों ने भी लुटिया डुबोने का काम किया? और हाँ, मैच फिक्सिंग की कितनी संभावना यहाँ पर हो सकती है, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को अभी के अभी शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।